के कुछ औषधीय गुण लेकर आई हूँ। देखो क्या होता है, फिटकरी जो होता है ना, हमारी कितनी सारी हेल्थ की जो समस्याएं होती हैं उसका निवारण करता है, और हमारी दांतों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जैसे दांतों में कैविटी बन जाती है तो कैविटी के कारण हमारे दांत भी टूट जाते हैं, तो उसको ठीक करता है अगर हम उसके गार्गल कर लेते हैं। मतलब किसी भी तरीके से हम फिटकरी का नियमित यूज़ करते हैं तो दांतों में जो कैविटी जमा होती है ना उसको वो ख़त्म कर देता है। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है बॉडी में से स्मेल आती है, तो बॉडी में से स्मेल आती है तो अगर हम फिटकरी का अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे वो दुर्गंध आना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक रिसर्च के थ्रू पता लगा है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो कि हमारे बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, इसीलिए स्मेल भी नहीं आती। इसको हम माउथ वॉश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माउथ वॉश को इस्तेमाल करने से क्या होता है, जैसे हम मैंने अभी अभी बताया कि दांतों के लिए मुंह के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जैसे दांतों में कई बार प्लॉक जमा हो जाता है तो उसको भी ख़त्म करता है और बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। इसी तरीके से क्या होता है साथियों, कभी जैसे बुखार हो जाता है, खांसी है, अस्थमा है, तो उस तरह की समस्याओं में जो होता है फिटकरी बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि इसका हम इसको सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका हमें बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्या होता है साथियों, कभी जैसे घाव बन जाता है, कट गया सपोज़ हमारा हाथ या कहीं भी बॉडी में, तो कटने से क्या होता है अगर हम फिटकरी को भर देते हैं वहाँ पर उस जगह पर तो वो घाव भी भर देता है और ब्लड को भी रोकता है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार पिंपल्स बन जाते हैं, तो ये पिंपल्स किससे बनते हैं, ओपन पोर्स जो होते हैं ना, जो हमारे पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो उसको जो होता है ना फिटकरी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और ये जो मुहासों की समस्या होती है ना, जो पिंपल्स वाली समस्या, उसको भी ख़त्म कर देता है। ऐसे ही फेस के लिए क्या होता है, झुर्रियों को भी कम करता है ना। झुर्रियों को क्यों कम करता है, क्योंकि इसके अंदर हम ये मानते हैं कि इसमें नेचुरल एस्ट्रिजेंट होता है, तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कई बार बेजान सी रूखी त्वचा होती है तो उसको वो ठीक करने में हेल्प करता है। जैसे किसी किसी को एक्जिमा या खुजली हो जाती है तो उस समस्या को भी ख़त्म करने में अगर हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी वो समस्या में भी हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और पता है क्या होता है साथियों, देखो ये एकमात्र सैनिटाइज़र है जिसका हम सेवन कर सकते हैं। जैसे हमें सब्जियां धोनी है तो हम सब्जियों के जो पानी होता है उसमें भी, जिसमें हमें धोनी है उस पानी में हम फिटकरी को मिला लें, इवन पानी को भी साफ़ करने के लिए है ना, उसमें भी हम फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे किसी किसी को मतलब फेफड़ों की जो समस्या होती है ना उसमें तो ये बहुत ही कारगर इलाज होता है। इसको हम कैसे ले सकते हैं कि जैसे हमने एक चुटकी फिटकरी, वो मतलब भुनी हुई जो फिटकरी होती है ना, वो पाउडर ले लिया और उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला लिया, और शहद के साथ में 4 बूंदे 5 बूंदे जो है अदरक के रस के मिला ली, और फिर उस डोज को जो है एक सुबह और एक शाम को ले लिया, तो इस तरह से अगर हम लेते हैं तो वो हमारी फेफड़ों की समस्या भी ख़त्म हो जाती है। तो साथियों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर साथियों आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वर्सेस। धन्यवाद साथियों।